पवित्र गंग नहर बहती है जो कि आप देख रहे हैं। कृपया दिखाइए पीछे, कुल्लड़ वाली चाय ने मुझे ब्रज की याद दिला दी। सच में ब्रज में कुल्लड़ वाली चाय ही पीता हूँ मैं। मीठी मीठी ठंड है। तो दोस्तों मैंने यहाँ एक प्लेट छोले भटूरे ऑर्डर किए हैं। ये हरी बोल मित्रों, आप सबका मित्र सबका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक आज एक बार फिर आपको अपने साथ लेके जा रहा है धार्मिक यात्रा पे। जी हाँ, आज मैं अपनी स्कूटी पर आपको अपने साथ लेके जा रहा हूँ देवभूमि उत्तराखंड। जी हाँ, आज दास उत्तराखंड के लिए ठीक 12:40 पर घर से प्रस्थान कर रहा दिनांक 8 को। ये यात्रा दिल्ली से शुरू होके रात्रि हरिद्वार में विश्राम करेगी। तो मेरे साथ अपडेट रहिएगा इस धार्मिक यात्रा में। मैं आपको उत्तराखंड के जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ सबके दर्शन कराऊंगा। और हाँ, जो अभी तक मेरे साथ मेरे धार्मिक चैनल श्री हरि का दास, जी हाँ, यूट्यूब पर श्री हरि का दास दीपक पर नहीं जुड़ा, वो जुड़ जाए ताकि इस भक्ति मार्ग पे आप मेरे साथ अपडेट रहें। और सब्सक्राइब जरूर कर देना श्री हरि का दास दीपक रेडवा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल वीडियो का दबा देना। तो चलिए मेरे साथ उत्तराखंड देव भूमि पर। दोस्तों अब हम गाजिया पास पार करते हुए राजनगर एक्सटेंशन में घूम रहे हैं। ये सीधा राजनगर एक्सटेंशन में आ गए हम। ये गाजियाबाद पार करते हुए ये दिल्ली मेरठ रोड, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरठ राजनगर एक्सटेंशन में हम आ गए हैं। बहुत ही अब तक का सफ़र सुहाना हुआ और मन बहुत प्रसन्न है कि आज गोविंद मुझे देवभूमि उत्तराखंड लेके आ रहा है। सच में दोस्तों मन मेरा बहुत प्रसन्न है। मैं देवभूमि उत्तराखंड जा रहा हूँ और ये अब तक की मेरी सबसे बड़ी जर्नी है स्कूटी पर। सालों बाद मैं टू व्हीलर पर जा रहा हूँ। इससे पहले मेरे पास बाइक थी CBZ, लेकिन उस पर भी इतना लंबा मैंने हरिद्वार तक का सफ़र किया था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी घूमूंगा मैं और अच्छे अच्छे आप तक वीडियो बना के पहुँचाऊँगा। जैसा कि इससे पहले मैं आपको वृंदावन के दर्शन करा चुका हूँ और उत्तराखंड से आने के बाद सीधा मैं बरसाना लेकर जाऊँगा। तो वीडियो में जुड़े रहिएगा और उत्तराखंड मंदिरों के हमारी देवभूमि के दर्शन करते रहिएगा। दिल्ली मेरठ रोड पर है और देख रहे हो किस तरह से मेट्रो का काम यहाँ जोर शोर से चल रहा है। पूरे पिलर डल चुके हैं, ऊपर लाइन डल चुकी है। मतलब आने वाले समय में दिल्ली मेरठ का सफ़र बहुत सरल और आसान होने वाला है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अक्सर इस रास्ते पे जाम रहता था, लेकिन आज सालों बाद मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। मेरा मन तो प्रसन्न हो गया और सच में दिल्ली मेरठ के लिए तो मेट्रो एक वरदान साबित होगी। समय की बचत, सबसे बड़ी समय की बचत और रास्ता आसान। और मित्रों मुराद नगर नहर पार करके अब मैं मोदी नगर की ओर बढ़ रहा हूँ। सच में मीठी मीठी ठंड है। एक हल्का सा मैंने अंदर इनर पहन रखा है, गर्म पतला सा जो कि घर में पहनता हूँ। एक ऊपर से मैंने ब्लैक जैकेट ले रखी है, ये गर्म है फर वाली। लेकिन मौसम बड़ा सुहाना है, समझ लो एक आशिकाना है। आशिक मिजाज हूँ ना मैं भाई, गोविंद के खास है, गोविंद के दास है, तो आशिक आवारा मस्ताने दीवारे तो होंगे। लेकिन सच में सफ़र सुहाना होता जा रहा है, मन प्रसन्न और गदगद होता जा रहा है कि मैं देवभूमि जा रहा हूँ और आप भी मेरे साथ इस सफ़र में जुड़े रहिएगा। क्या सामने देख रहे हो पानी की टंकी, तो लिखा है साफ साफ मोदी नगर। जी दोस्तों मैं मोदी नगर दिल्ली से करीब 52 दूर आ चुका हूँ मोदी नगर के अंदर और यहाँ भी मेट्रो काम बड़े जोर शोर से चल रहा है। ये मोदी नगर पार करने के बाद सीधा मेरठ आता है। मेरठ यहाँ से 30-32 दूर है, लेकिन मैं मेरठ में नहीं जाऊँगा। मैं मेरठ बाईपास निकलूँगा सीधा खतौली और खतौली से मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार की ओर निकल जाऊँगा। लेकिन रात को मैं विश्राम जो करूँगा रुड़की में करूँगा, ठीक है। और वहाँ से भी रुड़की में भी एक गंग नहर है, वहाँ से कोशिश करूँगा शाम को आपके वहाँ के दर्शन कराने की, क्योंकि ये सफ़र बहुत सुहाना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। करीब 10 बाद मैं इस रोड पे आया हूँ और इस तरह से जो डेवलप हो रहा है मेरे को बहुत खुशी हुई कि चलो इस रोड का भी अब उद्धार होना शुरू हो गया। फास्ट फूड कॉर्नर, काफ़ी लोग बैठे हैं। यहाँ कोई यूनिवर्सिटी है मेरठ बाईपास की तरफ, छोले भटूरे। तो चलिए हम भी कुछ खाते हैं। यहाँ पे दिल्ली से करीब 70-80 दूर आ गए हैं। तो मित्रों अब मैं मेरठ पार करके मेरठ बाईपास पर हूँ और अब मुझे हल्की सी लग रही है भूख। तो मेरे पीछे छोले भटूरे की एक
कॉलेज है सारी यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे छोले भटूरे का एक स्टॉल है, तो सोचा थोड़ा एक प्लेट छोले भटूरे खा के आगे का सफ़र तय करते हैं। आगे का सफ़र एक खतौली होते हुए सीधा मुजफ्फरनगर जाएगा, सीधा वहाँ से रुड़की होते हुए हरिद्वार पहुँचेंगे। तो चलिए मैं ज़रा एक प्लेट छोले भटूरे खा लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, आपको ज्वाइन करता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ एक प्लेट छोले भटूरे ऑर्डर किए हैं, ये तवे के ऊपर छोले हल्के मसाले के साथ बिगर प्याज के, इसमें खीरा और टमाटर मैंने डलवाया है, भाई ने बनाए हैं और डाला उन्होंने प्लेट में, गर्मा गर्म छोले साथ में ये कुलचे। लीजिए ये हमारी प्लेट तैयार, भाई मेरी प्लेट है, धन्यवाद धन्यवाद। तो मित्रों चलिए पहले हम छोले भटूरे खाते हैं, फिर बाकी के अपडेट्स आपको बाद में देते हैं। दोस्तों सच में बहुत ही स्वादिष्ट है, मन प्रसन्न हो गया। मैंने भाई से पूछा, भाई कौन सी जगह है, तो प्रतापपुर बाईपास है ये, और 30 रुपये की प्लेट है ये जिन भाई से मैं खा रहा हूँ। और सच में जब भी आप निकलो बाईपास, मेरठ बाईपास होते हुए मैं प्रतापपुर बाईपास पे आ गया हूँ, आज ज़रूर खाइएगा, सच में बहुत ही टेस्टी है। छोले तो औसम है, 30 रुपये में दो बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े कुलचे, और ये कुलचों का साइज देखो, बड़े कुलचे हैं, मन प्रसन्न हो गया, स्वादिष्ट। ये प्रतापपुर बाईपास में याद रखेगा, छोले कुलचे का सच में बहुत ही स्वादिष्ट छोले कुलचे थे, मात्र 30 रुपये प्लेट में। अब मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ, अब मैं खतौली क्रॉस कर रहा हूँ, और सच में स्कूटी पर ये अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा है, बहुत रिलैक्स और कंफर्ट फील कर रहा हूँ इस स्कूटी में, सच में यार बहुत अच्छा लग रहा है इस यात्रा में, धार्मिक यात्रा में, धार्मिक यात्रा ही है, मटर गश्ती ही नहीं है, और मटर गश्ती कह भी सकते हो, गोविंद की मस्ती में तो हमेशा मटर गश्ती होती है। तो बहुत अच्छा मेरा सफ़र चल रहा है, और मुजफ्फरनगर आने वाला है, और 50 किलोमीटर बाद मुजफ्फरनगर पार करके फिर मैं चाय पीऊँगा, तब मैं आपसे बात करता हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ और इन्जॉय करिए सफ़र को मेरे साथ, चका। तो मित्रों जैसा कि आप देख रहे हैं सामने ये अंदर रोड जा रही है, ये मुजफ्फरनगर है और ये मुजफ्फरनगर बाईपास है। तो यहाँ से मुजफ्फरनगर अंदर 4 किलोमीटर रह जाता है और हम बाईपास पे आ गए, और जो कि अब हमें सीधा रुड़की लेके जाएगा। बस अब आगे जहाँ भी मुझे ढाबा मिलेगा, चाय की दुकान मिलेगी, मैं चाय पीऊँगा, बहुत तलब उठ रही चाय पीने की, क्योंकि चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सुहाना सफ़र मेरा हो रहा है, और ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं अंदर की ओर, जैसे ट्रक जा रहा है अंदर की ओर, ये मुजफ्फरनगर में एंट्री कर रहा है। तो मित्रों आखिर मुजफ्फरनगर पार करके मुझे एक बहुत अच्छा ढाबा दिखा, मैं वहाँ रुक गया, जो कि है शिवा ढाबा। जी हाँ, आप 15-20 मिनट यहाँ थोड़ा रेस्ट करूँगा, मतलब रिलैक्स अपने आप को, वैसे कोई भी थकान नहीं है, कोई थकावट नहीं है, बहुत ही मौसम सुहाना, और मैं तो वैसे ही बहुत कूल इंसान हूँ, और यहाँ कुल्लड़ वाली चाय, जैसा कि मैंने पूछा कुल्लड़ वाली चाय मिलती है, तो एक मीठा कम पत्ती तेज, जो कि मुझे पसंद है, मीठा कम पत्ती तेज, अदरक डाल के कड़क चाय का भी भाई को ऑर्डर करूँगा। और उसके बाद यहाँ से रुड़की करीब रह गया है 50-55 किलोमीटर, मतलब 1 से 1.25 घंटे का रास्ता, उसके बाद सीधा रुड़की में रात को स्टे करूँगा। तो क्या बोलूँ, मन बहुत प्रसन्न है। तो चलिए चाय पीने के बाद फिर आपको मैं ज्वाइन करता हूँ, चलते ढाबे में। जैसा कि आप देख रहे हैं शिवा ढाबा साफ सुथरा ढाबा है, और बहुत सफाई के साथ ये ढाबा है, कुल्लड़ रखे हैं सामने, एक भाई खड़े हैं। दोस्त चाय मिलेगी? हाँ जी मिलेगी, मीठा कम पत्ती तेज वाली। तो एक कुल्लड़ में पिलाओगे? हाँ जी कुल्लड़ में पिलाओगे, पक्का बिल्कुल चकाचक? हाँ चकाचक। तो एक चाय मीठा कम पत्ती तेज, अदरक डाल के उबाल के, ठीक है भाई। आपका शुभ नाम? गांधी शर्मा। गांधी शर्मा, शर्मा जी जल्दी पिलाइए, ठीक है जी। तो दोस्तों ये है मेरी कुल्लड़ वाली चाय, और ये कुल्लड़ वाली चाय ने मुझे ब्रज की याद दिला दी, सच में ब्रज में कुल्लड़ वाली चाय ही पीता मैं, और मैं इस समय अपने ब्रज को बड़ा मिस कर रहा हूँ। मौसम बिल्कुल पत्ती तेज, मीठा कम अदरक वाली चाय, सच में मज़ा आ गया। सर्दी का समय, क्योंकि मुजफ्फरनगर की तरफ काफ़ी ठंड हो जाती है, और इस समय ठंड में महसूस कर रहा हूँ, और मुझे चाय की ज़रूरत भी थी, और आज कमाल हो गया, वरना इतने लंबे सफ़र में 2-3 चाय तो पी जाता हूँ। लेकिन अभी ठीक है,
अभी 50-55 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन जर्नी मेरी बहुत इंजॉयफुल हो रही है। मैं वृंदावन को बहुत मिस कर रहा हूँ, सच में ऑसम सफ़र तो ऑसम है, लेकिन मैं वृंदावन को बहुत मिस कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ से वापस आऊँगा, कोशिश रहेगी बरसाना जाने की, श्री जी के चरणों में 15-20 दिन वहाँ पर जाने की। सच में चाय वाकई सच में बहुत, देखो रंग बता रहा, मैंने दिखाया ना आपको, ये देखिए कड़क चाय है पूरी। तो चलिए मैं चाय पीता हूँ, फिर इसके बाद आगे की जर्नी शुरू करते हैं, आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए सफ़र पे आगे बढ़ते हैं मित्रों। चाय बहुत लाजवाब थी, पूरी सुस्ती उतार दी इसने, सच कह रहा हूँ, मीठा कम पत्ती तेज कड़क चाय। और यहाँ से 50-55 किलोमीटर का रुड़की का सफ़र रह गया, अब वो भी 1.25 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो चलिए सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए मित्रों, पहुँच गए हम उत्तराखंड के अंदर। आप देख सकते हैं क्या लिखा रहा है, वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। मतलब हरिद्वार कुंभ सिटी कहाँ है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में मेरे साथ आप सबका स्वागत है, और हम देवभूमि उत्तराखंड में पहुंच गए। बोलो देवभूमि उत्तराखंड की जय। मौसम बहुत औसम हो रहा है, बहुत प्यारी ठंडक महसूस हो रही है फेस पे, और देखो शाम हो रही है, स्ट्रीट लाइट चली हुई है, बड़ी ही शीतलहर चल रही है। देखो दोस्तों बहुत प्यारी मीठी मीठी हवा, कहते ना फेस पे सोंधी सोंधी मीठी मीठी हवा, ठंडक फेस पे महसूस हो रही है। मेरी बहुत अच्छी यात्रा रही, और अब हम उत्तराखंड में प्रवेश कर गए, रुड़की आ गई आगे 15 किलोमीटर में। सच में कह रहा हूँ, मन प्रसन्न हो गया, बहुत औसम रही अभी तक की मेरी यात्रा, गदर। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार स्कूटी में इतनी लॉन्ग जर्नी पर आया हूँ। अब देखो दो बार वृंदावन जा चुका हूँ, और इस बार गोविंद उत्तराखंड देव भूमि लेके आया, अब देखो यहाँ कहाँ कहाँ घुमाता है। तो आप बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। तो मित्रों जैसा कि आप देख रहे हैं, रात हो चुकी है, मैं रुड़की पहुंच चुका हूं। बहुत ही अच्छा सफ़र मेरा रहा रुड़की में, अब तक का 6 बज रहे हैं, और देखिए मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। 6 बजे 5 घंटे का जो मैं सोच के चला था कि 5 घंटे में मैं रुड़की पहुंच जाऊंगा, तो आप जैसा देख रहे हैं मैं समय रुड़की में हूं, और बहुत ही औसम मौसम हो रहा है। ये सफ़र मेरा रुड़की तक का बहुत शानदार रहा, सच में मेरा ये स्कूटी में पहला एक्सपीरियंस रुड़की तक का बहुत ही शानदार रहा। तो मित्रों दास दीपक आपका रुड़की रविदास घाट पे स्वागत करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आते जाइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी उत्तराचल की धार्मिक यात्रा क्यों रुड़की से शुरू हुई। सबसे पहले रुड़की क्या है, रुड़की एक छोटा सा शहर है जो हरिद्वार से थोड़ी सी 20 किलोमीटर पहले पड़ता है, और यहाँ पे एक बहुत ही पवित्र नदी बहती है। जी हाँ, मैं पवित्र बोल रहा हूँ, आप कहेंगे क्या, जी पवित्र गंग नहर बहती है, जो कि आप देख रहे हैं, कृपया दिखाइए पीछे, ये वही पवित्र गंग नहर है जो गंगा जी की एक धारा यहाँ पे आ रही है, और ये धारा आगे मेरठ तक जा रही है। तो मेरी धार्मिक यात्रा इस पवित्र नहर गंग नहर से शुरू होती है, और भक्ति मार्ग की इस यात्रा में आप सदा मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और मेरी शुरुआत भी उत्तराखंड के उत्तरांचल के इसी गंग नहर से शुरू होती है। तो इसी प्रकार से भक्ति मार्ग में जुड़े रहिए, और दर्शन किए जब भी रुड़की में आओ, गंग नहर जरूर आना। जैसा कि आप देखेंगे पीछे कितना अच्छा व्यू है, पीछे लाइटिंग है, और अक्सर यहाँ पे लोग आके बैठते हैं, शाम को आरती होती है। तो जब भी आओ गंग नहर पे आया करो, पूरी गंगा मैया की वादी ही यहाँ जो हरिद्वार में मान्यता है, वो ही यहाँ श्रद्धा से इनकी पूजा अर्चना होती है, शाम को आरती भी होती है। तो दास दीपा के साथ भक्ति मार्ग पे जुड़े रहिएगा। मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम करता हूँ, और विराम करने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, जो पहली बार सुन रहा रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल वीडियो का दबा देना, और लाइक और शेयर तो बनता है इतने अच्छे वीडियो का लिए। और सबसे बड़ी बात कि भक्ति मार्ग में अगर मेरे साथ अपडेट रहना है, तो बिना विचलित होके मेरे साथ मेरे हर वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। चलिए अपनी वाणी को ही विराम करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज, भास्कर राधे, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम।